तो नोएडा के अंदर लगा हुआ है नोएडा सरस आजीविका मेला। तो बहुत मन था हमारा यहाँ आने का, तो फाइनली हम लोग सरस आजीविका मेला 2024 के अंदर आ चुके हैं। आई लव सरस और पीछे राम मंदिर के कटआउट। आजकल राम मंदिर तो हर जगह मिल रहा है जहाँ भी जा रहे हैं हम लोग, और ये बहुत अच्छी बात है हमारे लिए, तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। और नोएडा हाट को इतना सुंदर सजाया हुआ है, नोएडा हाट लग ही नहीं रहा कि नोएडा हाट है। बहुत ही प्यारी प्यारी, मतलब बहुत अच्छा डेकोरेशन है, मज़ा आ गया देख के। और सरस आजीविका मेला आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा देने के लिए इस मेले का आयोजन किया गया है, जो 16 फरवरी से यहाँ पे चल रहा है और आने वाले 4 मार्च तक चलने वाला है। हम लोग आज आए क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं मिल रहा था बीच में, लेकिन फाइनली हम लोग मेले के अंदर अब आ गए। ये सेल्फी पॉइंट वगैरह बना रखा है काफ़ी अच्छा सुंदर सा, और ये 26 साल से चल रहा है सरस आजीविका, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। उनके पोस्टर्स वगैरह लगे हुए हैं। तो हम लोग आ गए हैं अंदर की तरफ, सेल्फी पॉइंट जगह जगह पे थे यहाँ पे, और अंदर आए तो ये कंट्रोल रूम है। 28 राज्य हैं इसके अंदर, जिसमें 400 से अधिक महिला शिल्प कलाकार जो परंपरा, हस्तकला और ग्रामीण संस्कृति और स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं। साथ ही 85 से ज़्यादा सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। सरस मेला में साल 1999 से लगातार आयोजित होता आ रहा है। इस मेले के माध्यम से लाखों महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार हुआ है। तो ये जो लखपति दीदी वाला कॉन्सेप्ट मोदी जी का है, वही है ये कुल मिला के सरस आजीविका मेला। तो आपको दिखाता हूँ मैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, तो आप लोग बने रहिए इस वीडियो में। सरस आजीविका मेला 16 फरवरी से 4 मार्च तक के लिए आयोजित किया गया है, जिसमें लोगों को संस्कृतियों का अनुभव करने का एक अच्छा मौका मिला है। इसमें आके आप हमारे 28 राज्यों की संस्कृति को अनुभव कर सकते हैं, वहाँ की चीज़ों को आप खरीद सकते हैं यहाँ पे आके। ये नोएडा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन के पास पड़ता है नोएडा हाट, उसी के अंदर आपको ये मिलेगी सारी चीज़ें। नोएडा हाट इस्कॉन मंदिर के जस्ट पीछे है, तो आप लोग यहाँ पे आ सकते हैं। सुबह 11 बजे खुल जाता है ये, और 11 बजे से लेके रात के 9:30 बजे तक चलता रहता है कार्यक्रम, और शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम का लुत्फ़ उठा सकते हैं आप, और अलग अलग राज्यों के भोज्य पदार्थों का भी अनुभव ले सकते हैं आप। तो भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, क्राफ्ट हैं, जिसको आप देखिए।
इस मेले में बच्चों के खेलकूद और मनोरंजन के लिए भी संसाधन मौजूद हैं। दिल्ली, नोएडा सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लाखों लोग मेले में भाग ले रहे हैं। लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कई तरह की व्यवस्था की गई है। पारदर्शिता को देखते हुए इस सरस आजीविका मेले में स्वयं सहायकों समूहों के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की गई है। इस मेले के माध्यम से प्रधानमंत्री का सपना है 2 करोड़ महिलाओं को लखपति घोषित करने का। तो आत्मनिर्भर भारत का जीता जागता उदाहरण आप यहाँ पे देख सकते हैं। 28 राज्य की करीबन 400 से अधिक महिलाएं आपको यहाँ पे दिखेंगी, क्राफ्ट वगैरह की चीज़ों में, जिन्होंने अपना मतलब खुद से बना के लाती है और यहाँ पे सेल करती हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह भी चलते हैं यहाँ पे शाम को, तो आप लोग उसका भी लुत्फ़ उठा सकते हैं। और 28 राज्य के फूड स्टॉल भी हैं यहाँ पे, तो आप लोग वो भी आ सकते हैं। और अच्छे अच्छे सेल्फी पॉइंट्स भी हैं यहाँ पे, तो आके आप लोग फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो बहुत अच्छा पैकेज है आप लोगों के लिए, यहाँ पे आ सकते हैं। एंट्री फ्री है, प्लस पॉइंट है कि पार्किंग भी फ्री है, तो आप लोग गाड़ी लेके बेझिझक आ सकते हैं। प्लस यहाँ पे खाने के लिए आपको 28 राज्यों के व्यंजन एक जगह पे मिल जाएंगे। ये बिहार का स्टॉल है और उधर बाकी सारे राज्यों का स्टॉल है। और यहाँ पे एक डिजिटल इंडिया को प्रमोट करने के लिए डिजिटल तरीके से पेमेंट मेथड रखा गया है, ऑनलाइन स्कैन करके आप कर सकते हैं चीज़ों को। कुल मिला के ये मेला बहुत ही अच्छा है, सरस आजीविका मेला। टोटली टोटल आत्मनिर्भर भारत को प्रमोट करने के लिए बनाया गया है, लगाया गया है, जो कि 4 मार्च तक रहने वाला है। तो आप लोग भी अगर नोएडा में रहते हैं या नोएडा के आसपास रहते हैं, तो नोएडा हाट आइए और इस मेला का आनंद उठाइए। बहुत ही अच्छा मौका है आप लोगों के पास, नोएडा में रह के पूरे भारत को घूमने का मौका है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक कर दें, कुछ अच्छा नहीं लगा या अच्छा लगा तो कमेंट कर दें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब कर दिया तो बेल आइकन दबा दें। थैंक यू।